अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम यासिर गफूर है और आज हम आपको लेकर आए हैं प्रिसेंट वन के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर विला, जिसको आप देखेंगे तो आप जान सकेंगे कि इस तरह का विला बैरियटाउन कराची के अंदर आपको नहीं मिलेगा। हम मौजूद हैं प्रिसेंट वन के अंदर। प्रिसेंट वन बैरियटाउन कराची का पहला प्रिसेंट है। आज हम आपको 272 स्क्वायर यार्ड्स का विला दिखाएंगे, जिसके अंदर टोटल 5 बेडरूम्स हैं, डिज़ाइनर हाउस है और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर वेल मैनेज कर ये बनाया गया है। अभी आप इसका आउटर स्ट्रक्चर डिज़ाइन देख सकते हैं। विला की डिमांड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी गई है। आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी अभी रابطہ करके विला की डिमांड जान सकते हैं और फर्दर डिटेल्स के लिए आप हमसे रابطہ कर सकते हैं। घर के अंदर चलते हैं और आपको तमाम चीज़ें डिटेल के साथ समझाते हैं। व्यूवर्स, अभी आप इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन देख सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक ही स्ट्रीट के अंदर टोटल डिज़ाइन चलता है, जैसा कि अभी आप इस विला का स्ट्रक्चर डिज़ाइन देख सकते हैं। फ्रंट रैम की लुक आप देख सकते हैं और अभी हम इसके गैरेज से एंटर होते हैं इसके घर के अंदर। ये इसका मेन डोर है व्यूअर्स, जो कि आप देख सकते हैं सॉलिड वुड है। उसके साथ आपको मैप डिज़ाइन में समझाऊं तो एंटर होते साथ आपको राइट साइड पर टीवी लाउंज की स्पेस मिलेगी, जिसके अंदर मीडिया वॉल बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन की गई है। स्टेयर्स की लुक आपको मिल रही है, एक अच्छी लुक आपको मिल रही है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊँ तो व्यूअर्स, यहाँ पर ही आपको डाइनिंग रूम डाइनिंग स्पेस भी मिलेगी और आपको साथ में ड्राइंग स्पेस भी मिलेगी। ये ड्राइंग रूम की स्पेस है, जिसके अंदर वॉल वर्क बहुत खूबसूरत किया गया है और ये इसकी ड्राइंग रूम की स्पेस है। इसके अंदर भी सेम वॉल वर्क के साथ आपको एक शैंडलियर खूबसूरत डिज़ाइन करके दिया गया। सेपरेट एंट्रेंस इसकी भी आपको मिल रही है। अगर आप इसको डाइनिंग रूम से एक्सेस नहीं करना चाहते तो आप इसको लॉबी से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये इसकी स्टेयर्स की लुक है व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया गया स्टेयर्स को ग्लास और वुड के साथ। ये व्यूअर्स इसकी किचन स्पेस है, इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। वैसे इसको भी यहाँ पर ओपन रखा गया। इसकी डिश वॉशिंग एरिया की स्पेस और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर भी इंस्टॉल्ड है। जिसका डिश वॉशिंग एरिया आप देख सकते हैं, एग्जॉस्ट और हुड एंड हॉप दोनों इंस्टॉल्ड हैं। अप्लाइंसेस भी यहाँ पर मौजूद हैं। बेडरूम नंबर वन के अंदर चलते हैं व्यूअर्स। सबसे पहले आप फर्स्ट इंप्रेशन देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत वॉल डिज़ाइनिंग की गई है लाइट्स और वुड पैनलिंग के साथ। अब हम आ चुके हैं इसके वॉशरूम के अंदर। वैनिटी सेटअप आप देख सकते हैं, लार्ज साइज़ का वैनिटी सेटअप है और साथ में एक शॉवर कैबिन है। ये इसकी बेडरूम की स्पेस थी। हम चलते हैं बेडरूम नंबर टू के अंदर। इसका बेडरूम नंबर टू है व्यूअर्स, सीलिंग वर्क काफ़ी इंप्रेसिव है और साथ में आपको स्पेस भी अच्छी मिल रही है बेडरूम्स की। यहाँ से हम आते हैं इसके अटैच बाथ के अंदर। तो यहाँ पर बात की जाए, कैबिन तो नहीं बनाया गया लेकिन फिर भी एक ग्लास यहाँ पर आपको बना दिया गया ताकि ओवरफ्लो पानी आपके दूसरे वॉशरूम की साइड पर ना करे। ये इसका कमोड एरिया है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर भी काफ़ी खूबसूरत है और इसके अंदर आपको एक घर के अंदर ही आपको वॉशिंग एरिया डिज़ाइन करके दिया गया है, जिसके अंदर वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी और वॉशिंग एरिया के अंदर आपको कैबिनेट्स भी बना कर दी गई हैं। हम आ चुके हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पर और आपने स्टेयर की लुक देखी व्यूअर्स। सबसे पहले आते साथ ये वॉल लुक आप देखें कि बहुत खूबसूरत लुक है और ये एरिया है टीवी लाउंज का, लिविंग रूम का एरिया है ये। ऊपर से सीलिंग वर्क भी आप देख सकते हैं और यहाँ से आपको फर्दर दो बेडरूम्स मिलेंगे। ये मैं स्पेस है जो मैं आपको बता रहा था वॉशिंग एरिया की। यहाँ पर आपको सिंक एक टैप भी लगा दिया गया है, उसके साथ वॉशिंग मशीन भी यहाँ पर मौजूद है और ड्रॉर्स भी कबर्ड्स भी यहाँ पर बना दी गई हैं। ये इसकी एक लॉबी लुक है, जहाँ से आपको एक्सेस मिलेगी आपके बाकी के दो बेडरूम्स जो कि बैक साइड पर हैं। इसका बेडरूम नंबर थ्री है, फर्स्ट फ्लोर का पहला बेडरूम। ऊपर सीलिंग वर्क देखें व्यूअर्स, क्या खूबसूरत लाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। और यहाँ पर हम आ चुके हैं इसके अटैच बाथ के अंदर। बाथ के अंदर आप देख सकते हैं नीचे टाइल वर्क जो है वो वुड थोड़ा आपको यहाँ पर ब्राउनिश लुक दी गई है। साथ में आपने मिरर देखा और यहाँ पर इसकी वॉशरूम के अंदर ही आपको कबर्ड्स वार्डरोब्स मिल रही हैं। इस बेडरूम का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। हम चलते हैं इसके फोर्थ बेडरूम के अंदर। ये आप वॉल वर्क देख सकते हैं, ग्रे स्टोन दी गई है वॉल वर्क के अंदर। और हम आ चुके हैं इसके फोर्थ बेडरूम के अंदर। लाइटिंग वर्क आप देख सकते हैं व्यूअर्स, काफ़ी इंप्रेसिव है। हर बेडरूम के अंदर लाइट्स अच्छी लगी हुई हैं और वॉल वर्क जो है वो भी काफ़ी अच्छे हैं हर बेडरूम के अंदर। ये आप देख सकते हैं वैनिटी सेटअप और साथ में शॉवर कैबिन इसके अंदर बना कर दिया गया। हम आ चुके हैं वापस इसके लिविंग रूम के अंदर और हम चाह रहे हैं इसके लास्ट बेडरूम के अंदर, मास्टर बेडरूम के अंदर। व्यूअर्स, मास्टर बेडरूम की बात करें, आपको मोल्डिंग वर्क करके दी गई है, उसके साथ आप सीलिंग वर्क देख सकते हैं। फ्रंट का व्यू आपको मिलेगा इस मास्टर बेडरूम के अंदर से। और वॉशरूम के अंदर एंट्रेंस करें तो काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। वैनिटी सेटअप आप देख सकते हैं और ये इसकी आप लुक देख सकते हैं। ऊपर से आपको स्काईलाइट भी मिलेगी इस वॉशरूम के अंदर। ये इसकी कबर्ड्स आ गई। अगर आप ये विला बाय करना चाहते हैं या आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी रابطہ कर सकते हैं। यासिर गफूर, प्रॉपर्टी एक्सचेंज, पैरियडम कराची की प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफिज़।